हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। पुलाव कई तरह से बनता है, आज बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पुलाव बनाएंगे। नेक्स्ट आपको हम यखनी और कई तरह के पुलाव दिखाएंगे बनाने। एक कटोरी बासमती चावल को हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और उसे दो तीन बार धोने के बाद पानी में भिगो के ऐसे रख देंगे साइड में। वेजिटेबल में हम लेंगे दो प्याज, एक फूल गोभी, दो हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, दो गाजर और एक आलू। गरम मसाले में हम ड्राई गरम मसाला लेंगे, काली मिर्च, दालचीनी एक टुकड़ा, जीरा, दो तेज पत्ता, चार हरी इलायची। सब्जियों को हम कुछ इस तरह से काट लेंगे। प्याज को लंबा लंबा काटेंगे, फूल गोभी के टुकड़े थोड़े बड़े रखेंगे, आलू और गाजर को छोटा छोटा रखेंगे, अदरक को हम लंबा काटेंगे और हरी मिर्च को भी काट लेंगे। अब हम कुकर में घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गरम मसाला जो हमारा खड़ा था उसे हम डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची। और अब हम इसमें दो तीन मिनट मसालों को भूनेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी हम, मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें घी और ऐड कर दिया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के से हम दो तीन मिनट के लिए हिलाते रहेंगे और इस तरह पकाएंगे। अब हमारा प्याज हो गया है। अब इसमें हम गाजर, आलू और जो भी हमारी वेजिटेबल है सब इसमें मिक्स कर देंगे और इसे खुला ही हम चार मिनट हिलाते रहेंगे और उसे पकाएंगे। इसे हिलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी सब्जी। इस तरह देखिए हमारे सब्जी थोड़ी सी कुक भी होने लग गई है। और अब हम इसमें अपने चावल को भी मिला देंगे। चावल का पानी हम निकाल देंगे और तब तक सब्जी हमारे एक दो बार हिलाने के बाद देखेंगे, देखिए हमारी सब्जी थोड़ी सी कुक हो रही है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम अपने जो भीगे हुए चावल थे उनको डालेंगे, नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च इसमें हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ हरी मिर्च डालेंगे। और अब इसे हम मिक्स करते हैं। ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गई है। अब इसमें हम अपने जो चावल भीगे हुए थे उनका पानी निकाल दिया है। अब उसे हम सब्जियों के साथ मिक्स करके दो मिनट के लिए खुला ही पकाएंगे। हमें ज़्यादा धीरे हाथों से हिलाना है नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। एक कटोरी चावल था तो हम दो कटोरी पानी लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो चावल गीले गीले बनेंगे और हमें खिला खिला पुलाव बनाना है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे हम एक सीटी आने तक प्रेशर कुकर को बंद करके रख देते हैं। ये देखिए हमारी सीटी एक हो गई और हमारा पुलाव रेडी हो गया है। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। हम इसे ऊपर नीचे मिक्स करने के बाद अपनी प्लेट में सर्व करेंगे और ऊपर से हम ड्राई रोस्टेड काजू डालेंगे। ये हमारा पुलाव बूंदी के रायते और अचार के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।